तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली? कोचिंग सेंटर। तो देखने की कैसा, मतलब कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं गाइस। तो चलो वहाँ पे मिलते सीधा। गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सामने है कोचिंग। तो क्योंकि जो ट्यूशन का जो टीचर है ना, तो उसने बुलाया हमें तो रिव्यू के लिए। तो चलो देखते हैं, सामने देखो तो लिखा है पाठशाला ट्यूटोरियल कालीमाला लिखा है ना, तो यहीं पे। तो यहाँ पे यहाँ से चढ़ेंगे, फिर पूछेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ा टीचर से। आज फिलहाल पहुंच गए ऊपर, तो जहाँ पे कोचिंग होता है। तो अभी जाके यहाँ का जो सीनियर है ना, तो उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन वेश्चन हम भी थोड़ा पूछेंगे। तो चलो चलते हैं। ये जो हमारा जो कोचिंग का मैनेजमेंट करता है ना, तो इससे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं पहले। सर बताइए आपके कोचिंग के बारे में कुछ भी। क्लासेस तो चल रहा है सर, क्लास में सर मैम क्लास चल रहे। तो अभी तो बताता हूँ कि कोचिंग कैसे चल रहा है। टाइमिंग जो है ना हमारा सुबह का 6:30 AM टू 8:30 AM और इवनिंग में आपको होता है 5 PM टू 7 PM और जो नवोदय के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस के लिए उधर 7 PM टू 9 PM। तो बच्चे कौन से स्टैंडर्ड तक, यहाँ पे 4 क्लास टू 10th क्लास, 4 से 10th है यहाँ पे। क्योंकि 4 से अगर आप भेजोगे बच्चों को तो उनको जेएनबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग होता है प्रॉपर एक कोचिंग होता है, कोर्स देते हैं। तो उसका कुछ फीस वगैरह जेएनबी का, जेएनबी का रुपये मंथली 1000 जेएनबी का पूरा फुल कोचिंग यहाँ पे कोर्स मिलेगा। और क्लासेस के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर को रखा गया है। कोचिंग में सारे लोग क्लासेस करते हैं, सब कुछ में आपको दिखा रहा है क्लास और दिखाई सब दिखाई क्योंकि कोचिंग हो रहा है वहाँ पे। क्लासेस चले मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गाइस अभी अंदर जाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा मीटअप कर लेते हैं। क्लासेस चल रही है तो वहाँ पे भी जगह दिखाएंगे। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप, पढ़ाओ सर जी पढ़ाओ, क्लासेस देख लेते हैं। आ जाओ हमें समझते हैं इसलिए हमें कोटि वास करो पृथ्वी रे वास करो सकाले उठी ना कौन देखो और संध्या रे कौन देखो सूर्य देखा जाए रात से किरण जो हेड है ना, तो वो अभी क्लास लेने वाले हैं। पहले वो वाला भी क्लास हम कैप्चर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ का जो हेड है तो वो कैसे मैनेज करते हैं। इतना बड़ा तो नहीं है, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। जितना अभी तक देख चुका हूँ तो अच्छा टीचर यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे। चलो पहले उनके क्लास एक दो मिनट देख लेते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आगे बातचीत कर लेंगे। ठीक है आ जाओ। ठीक है तो हमने सीखा था, मैंने बताया था आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे यार। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ कि -5 लॉस, ठीक है ना,
तो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था कि नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा ना। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिडिल में कौन रहेगा? जीरो आपको बताया ना। और क्या बताया था? अगर लॉस होगा तो किस तरफ जाएगा? राइट। किस तरफ? राइट। और माइनस होगा तो किस तरफ जाएगा? मैंने आपको बताया था हाँ कि नहीं? हाँ। अगर मैं मिडिल में जीरो लिखूंगा, राइट साइड में क्या लिखूंगा? पॉजिटिव नंबर। कैसा? वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ऐसे बताया था। और इस साइड में क्या लिखूंगा? माइनस नंबर। क्या लिखूंगा? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा? मैंने बताया था घर से निकलते हो कि नहीं, तो पहले कहा से निकलोगे? जीरो से। हाँ कि नहीं? इधर आपका घर कौन है? जीरो है। तो जीरो से फर्स्ट ऑफ ऑल हम किधर जाएंगे? माइनस फाइव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जीरो से हम कहां पर जाएंगे? माइनस फाइव की तरफ। उसके बाद मैंने प्लस बताया ना माइनस बताया, तो प्लस बताया तो किस तरफ जाएगा? कितना घर जाएगा? दो घर जाएगा, वन टू। तो आपका आंसर कितना होगा? माइनस। समझ में आया आपको? तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ का जो सीनियर है सर जी, और ये और एक टीचर है, तो इनसे भी बातचीत थोड़ा अभी करेंगे। तो पहले पूछेंगे कि यहाँ मतलब तो कैसे जो कोचिंग जो है ना यहाँ तक कैसे बिल्ड करें ये लोग? ठीक है, तो ये बहुत ये कोई मामूली मतलब काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। कोचिंग खड़ा करना मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा ये काम होता है। तो चलो सर जी से पूछ रहे थे कि सर तो बताइए अभी कोचिंग के बारे में, कुछ कोचिंग का कैसे हमने बिल्ड करा ये? तो ठीक, अभी तक एक बच्चे से स्टार्ट किया था, एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा, उसका नाम था प्रदीप सर। ठीक है, नाम ही बता रहा हूँ, जो कि बच्चा इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्या होता है, लॉकडाउन का टाइम हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम में उस बच्चों को कुछ नहीं आता है, एट क्लास में पढ़ता है, एबीसीडी नहीं आता है, वन टू नहीं आता, कुछ नहीं आता। उसका पिताजी पूरा घबरा गया कि कैसा बच्चे को अच्छा करियर बनाएगा, फ्यूचर क्या होगा, तो कुछ नहीं आता। ये तो फैक्ट है, हर पेरेंट्स घबरा जाएंगे अगर बच्चे नहीं पढ़ेगा, है ना। उसके बाद मैंने उसको मेरे पास भेजा, उसके बाद मैंने उसको देखा। फर्स्ट में ना बहुत डिमोटिवेट लगता है, एक बच्चे को आप पढ़ा हुए ना, ऐसा लगता है क्या करूंगा एक बच्चे को लेके। फिर मैंने बहुत कोशिश किया, कोचिंग को फील्ड किया, एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया। और ऐसा भी टाइम आया एक बच्चे को पढ़ाने के बाद, वो बच्चा अभी टेंथ में पढ़ता है, त्रिकोणमिति का मैथ कर देता है, जिस बच्चे को एबीसीडी नहीं आता था, आज त्रिकोणमिति का मैथ कर देता है। उसके पिताजी ने मुझे बताया कि ना तू पढ़ा ऐसे, एक से दो में, दो से चार, चार से दस, अभी हमारे टोटल 80 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट, एक बच्चे से शुरू किए थे और अभी 80 प्लस। तो आशा करूंगा सर यहाँ पे और भी बच्चे आए, और ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो के माध्यम से हम और भी बच्चे यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ से और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए कोचिंग ले। तो अब तक तो मुझे ठीक ही लगा सब कुछ, जैसे सर जी ने पढ़ाया कोचिंग को मुझे बिल्ड करने में, इन्होंने बहुत हेल्प किया जो सर थे मेरे साथ। सर आपका नाम बताएंगे? राजशेखर चक्रवर्ती। राजशेखर चक्रवर्ती, तो ये सर ने बहुत बहुत हेल्प किया था, तो क्योंकि अकेले से तो कुछ नहीं होता है ना। हाँ, ये एक टीम होता है, को फाउंडर कहते हैं ना, ये को फाउंडर है, ये एक टीम मैनेजमेंट जो होता है ना गाइस, तो एक टीम मतलब मैनेज करके यहाँ तक बनाया ये कोचिंग को। उसके बाद मतलब यहाँ का जो फीस कितना होता है? फीस बहुत कम होता है, नवोदय का ओनली और यहाँ पे आपको कम्प्लीट सिलेबस आपको मिलता है सिर्फ 1000 मंथली, और 5 क्लास को क्या 600 करेंगे यहाँ पर। और गाइस ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है सर कि सीबीएसई भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अभी 600 का कितना? 400 का 500 का मिल रहा है, बाकी आप कहीं से भी पूछ लो, 10th का करीब आपका महीने में 1500, 2000, 3000 पैसे जाएगा इससे। तो यहाँ पे सिर्फ 500 मिल रहा है, सिर्फ ओनली 500। ऐसे चला रहे कोचिंग को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत ही कर रहे हैं। जी नहीं सर, हम भी थोड़ा हेल्प करेंगे ये वीडियो के माध्यम से, हम भी लोगों तक पहुँचाए कि यहाँ पे और भी बच्चे आए पढ़े, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। बताते हैं ना, वी डील विद क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हम दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्वालिटी।
मार्केट में आए तो मार्केट को बड़ा करना है, कोचिंग को बड़ा करना है, इतना हमारा फ्यूचर में हमें एक एम हो गया, एम है हमारा। तो आपसे सर, सर जी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये सर बहुत हेल्पफुल है और ये भी बहुत मतलब बिल्ड किया ये कोचिंग को बहुत, ठीक है क्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोचिंग अभी एंड का टाइम है ना, तो अभी थोड़ा प्रेयर करेंगे और बच्चों के साथ हम भी थोड़ा प्रेयर करेंगे, क्योंकि कोचिंग स्टार्ट और एंडिंग में प्रेयर होता है हर जगह, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो अभी छुट्टी होने का टाइम है, तो अभी चलो बच्चों के साथ थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेयर भी हो गया, तो अभी हम सीधा घर जा रहे हैं। तो आप देखिए जरूर, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, सिर्फ सपोर्ट कीजिएगा इसे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, रखते हैं गाइस।